हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, गौरा पार्वती की जय, नीलम दीदी हरेंद्र भैया की जय, सारे देखने वाले जितने हमारे गुरु भैया गुरु बहन है, सभी के चरणों छू के प्रणाम करती हूँ। रेणु के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मेरे भजन को देखते हो, प्यार देते हो। ऐसे प्यार देते रहना, मेरे भजन देखते रहना। आप देखो गुरु भैया गुरु बहन, एक मैं चर्चा करने जा रही हूँ, चर्चा बताने जा रही हूँ। गीत भजन तो होती रहता है, लेकिन कभी कभी चर्चा के भी करना चाहिए। एक गांव में बहुत गरीब थी एक गुरु बहना। वो शिष्या इतनी गरीब थी कि उनको गरीबी के चलते उनको रोजी रोजगार करते करते उनको जो पति देव था वो उनकी खत्म हो गया। अब उनको एक पुत्र बचा था। अब एक पुत्र बचा था तो बिचारी क्या करे, अपने पुत्र के पाल पोस के जवान दिया, अकेले जिंदगी बिताने लगी। बहुत बड़ा भक्त थे अपना सिख गुरु का। नी टाइम उनको मुंह में नमः शिवाय जपते रहती थी, नी टाइम जपते रहती थी, बहुत पूजा करती थी। उनको जहां जहां चर्चा होते थे, बेचारी चर्चा करती थी, वो महादेव के सुख सेवा भी करती थी, हर टाइम उनको जप करती थी। अब उनको बच्चा जवान हो गया, काम करने लायक हो गया। तो एक दिन बच्चे के बोला कि बेटा, जितना तकलीफ भी था हमने पाल पोस के जवान कर दिए, अब आपका पिता भी नहीं रहे, अब तो हमारे आपको सहारा हो, तो आपको अब करना चाहिए कुछ। बोला कि माँ क्या करना चाहिए। गर्मी के दिन था, पूरा तब रहा था गर्मी। बोला कि बेटा, अगर काम नहीं करोगे तो हम दोनों माँ बेटा क्या खाएंगे, भूखे रहेंगे, भूखे मरेंगे। बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ काम करने। उनकी बेटा बेचारा गया काम करने, गुरु बहना के बेटा। अब इतनी कड़ी धूप में बेचारा गया काम करने, ऐसी गया छोटा मोटा का मतलब गया ऐसी दुकान पे, ऐसी बोरा बिस्तर धोने के काम करने लगा, दुकान पे काम कर रहा था, कट्टे धो रहा था। और उनकी बेटा के गर्मी के मारे कट्टे धोते धोते क्या बताएं गुरु बहन, उनको बेटा के जो चक्कर आ गया, उनकी औलाद गिर गया चक्कर खा के। भी गाँव के लोग सभी लेके उनको आया घर पे, बोला कि तुम्हारे बेटा के कोई हो सवाल ना सुना, बस कुछ नहीं चल रहा है। अब बेचारी एकदम पूरा अपनी अपनी बेटा पकड़ के रोने लग गया कि जो मेरा महादेव, एक तो पहले हमारे पति को आपने छीन लिया, और दूसरे हमारे जो औलाद दिया उसको भी आप दया करिए, बाबा दया करिए, और हमारे बेटा के आप सही करिए। जे क्या है इस पृथ्वी पे, आप तो जाके कैलाश पर्वत पे महादेव बैठ गए, अब एक बार आप जरा रह के देखिए अपने पृथ्वी पे आके कि हमारे पृथ्वी पे कितनी गर्मी धूप होती है। आप तो कैलाश पर्वत पे बर्फ के गुम में चले गए, अब बर्फ के गुफाओं में रहते हो, आपका तो कोई फिक्र ही नहीं है कि हमारे शिष्या, हमारे गुरु, जितने भक्त थे हमारे शिष्य हैं, गुरु है, जो क्या हमारे परेशान हो रहे। आप तो ये देखते नहीं हो कि आप स्वार्थी हो, तो आप क्या देखोगे। आज दूसरे हमारे बच्चा के लिए ऐसा हालत हो गया, आप जैसे भी महादेव, आप मेरे बच्चा के ठीक कीजिए। हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए, ना पूरे 2 साथी के देंगे आपको चर्चा हम कभी नहीं करेंगे। बोला गुरु बहन की हम आपका चर्चा कभी नहीं करेंगे महादेव, हमारे बच्चे के आप ठीक कीजिए। तो हमारे बच्चे का नस नबज नहीं चल रहा है, हम कोई डॉक्टर दवाई नहीं कराएंगे, महादेव आप कीजिएगा, क्योंकि आपको पूजा हम बहुत करते हैं, आपका भक्त में हम पूरा लीन है। जहां जहां हम चर्चा जाते हैं सुनते हो, हम जाते हैं बच्चे के लेके, अपने लड़का के लेके, धूप में गर्मी में आपको कोई दर्द नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई दया नहीं है भक्तों के ऊपर। कितनी गर्मी में, अब इतनी गर्मी करिएगा सिंगू, तो हम कैसे बच्चे के पालेंगे, हमारे बच्चे कैसे रोजी रोजगार करेगा। अब ये बात सुन रहा था कैलाश पर्वत पे महादेव, और पार्वती ने बोलने लगा कि एक वो बताना सामी कि आपको आपको शिष्या लोग कितनी स्वार्थी है, एक दिन के लिए, थोड़ा दिन के लिए नहीं सबर कर सकती है। आप धूप गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, अपने अपने महादेव को सुख में देख नहीं पाती है।
महादेव ने बोला कि देखो पिरगे, आप नहीं समझ पाओगे ये बात, सही कह रहे हमारे शिष्य जितना है सही कह रहे हैं, पृथ्वी पे तो गर्मी है, या पैसा कीजिए गौरा, आप चले जाइए अपने गणेश और कार्तिक के लेके अपने मम्मी के घर चले जाइए। बोला स्वामी ऐसे कैसे कर रहे हैं, हम नहीं जाने। बोला जाना ही पड़ेगा। बोला स्वामी अब करने वाले क्या हो गए, हम कुछ भी करने वाले हैं, आप जाओ। चले गए, फिर गौरा तो चले गए अपने मायके। फिर महादेव ने बुलाया सूर्य भगवान के कि आप कैलाश पर्वत पे देखो, उनकी दिल में इतनी चोट लगा, अपने शीश के बाद इतनी चोट पहुंचा महादेव का। बोला कि सूर्यदेव इतनी तेज धूप कीजिए, इतनी तेज धूप कीजिए कैलाश पर्वत पे कि पर्वत पिघल के बिल्कुल पानी बने रहे। बोला कि महादेव आप ये क्या कह रहे हो, सारे देवी देवता क्या हो जाएगा ये। बोला कुछ नहीं होगा, आप कीजिए। बोला कि अब महादेव के बाद सूर्यदेव कैसे करेंगे, नहीं टाल सकते हैं। तो महादेव कहा कि नहीं करना ही पड़ेगा। सूर्यदेव मानो उनको बात इतनी धूप कड़ी किया, इतनी धूप जितनी बर्फ पिघल पिघल के था सारे पृथ्वी पे आने लगा, ये बारिश ये बारिश। फिर महादेव स्वयं आके अपने आए और उनको लड़का के ठीक कर गए, लड़का भी ठीक हो गया, सुख हो गया, अब खूब बारिश होने लगा। आया नारद मुनि, बोला कि पार्वती के पास गया, बोला कि महादेव ने तो ऐसी भोले हैं, वो अपने भक्तों के बाद अपने शिष्य के बाद अपने गुरु के बाद ज्यादा ही मान के चलता, तो भोले तो पहले से हैं। जब पृथ्वी पे बहुत गर्मी हो अति गर्मी हो रहा है, कैलाश पर्वत पे सारे देवता देवी सब परेशान हो रहा है, पार्वती अब स्वयं जाके महादेव के रोक लिए। पार्वती ने आया, बोला कि स्वामी आपने अपने भक्तों के लिए अपने शिष्य के लिए आप इतना बड़ा प्रमाण देते हो, आप एक बार भी नहीं सोचा कि कैलाश पे अगर इतना बड़ा गर्मी करेंगे तो क्या होगा। बोला कि नहीं बिरगे, हम नहीं मानेंगे जब तक हमारे शीश नहीं हमसे हमसे जब से दया नहीं मांगेगी, जब तक बोलेगी नहीं, जब तक हम बारिश पृथ्वी पे चलते रहेंगे और कैलाश पर्वत पे गर्मी रहेंगे। कुछ देर के बाद उनको आया समझ में कि इतनी बारिश हुआ, हमारे बेटा सही हो गया, उठ के खड़े हो गए, हर हर महादेव, उनकी बेटा भी उठ के खड़े हो गए। इस शीश बहन ने बोला कि महादेव आप तो जगत के गुरु हो, सबको रखवाले हो, देखनहार हो, हमें नहीं पता था कि आप अपने शीश के बाद में आके इतना बड़ा कदम उठाओगे। महादेव अब हम आपसे दया मांगते हैं कि आप बारिश बस बंद कर दीजिए, धूप कर दीजिए, हमारे बच्चे तो ठीक हो गया। महादेव अब आपको चरणों ने हम हरे हरे टाइम पूजा करते रहेंगे, हमसे गलती हो गया, हम तो स्वार्थी ऐसे होते, पृथ्वी के लोग शिष्य लोग ऐसे होता है कि उनको कितना कुछ दे दे तो स्वार्थी बन जाते हैं, बाकी राम महादेव हम स्वार्थी नहीं बनेंगे, सिर्फ गुरु आप जाके सब कुछ ठीक कर दीजिए। फिर महादेव हंसने लगा, हंस के सारे कुछ ठीक कर दिया, हर हर महादेव। सब कुछ ठीक करने के बाद पूरा उनके घर परिवार अच्छे से चलने लगा, शीश बहन अच्छे से उनको चर्चा करने लगा, अपने औलाद के उसी ने भी रखा साथ में अपना करवाने लगा, उनपे इतनी दया बरसाया, उनको औलाद के ठीक कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे